अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारे नंबर्स पूरे हो गए। पीपल्स पार्टी कोशिश के बावजूद नंबर्स पूरे नहीं कर सकी। कराची की तरक्की होगी तो सबका फायदा होगा। मेयर के लिए, कराची के लिए और इसको कराची के लिए बहुत अच्छा समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू होगा। हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक के दोस्त हमारे साथ सारे कामों में शरीक हों और हम मिलजुल कर काम करें, और अगर वो डिप्टी मेयर के लिए भी तैयार होते हैं तो हम उसके लिए भी उनको ऑफर करेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ टाउन्स में, कुछ में जमात इस्लामी का हो गया है और कुछ में उनका हो गया है, और उसके अलावा कुछ मजीद टाउन ऐसे हैं जिसमें कानूनी तकाजे अगर पूरे कर लिए जाए तो हम मजीद टाउन भी ले सकते हैं और वो भी मिलजुल कर हम करेंगे। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फंड, तो देखें, एक तो आइन के आर्टिकल 140A है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि उसके मुताबिक पाबंद है सिंध हुकूमत के वो बल्दियाती इदारों को इख्तियारात और वसाइल मुंतकिल करें। अगर वो नहीं करेंगे तो अदालती रास्ता भी मौजूद है और एहतजाज खड़ा मौजूद है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मामला अब पीपल्स पार्टी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब मजीद इस तरह की चीजें करके हमारे शहर का, हमारे सूबे का मजीद वो नुकसान ना करें और एक वर्किंग एनवायरमेंट बने ताकि जिसके नतीजे में सब लोग काम कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।